मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नियोजित शिक्षकों की मांग पर अहम बैठक बुलाई है। आपको बता दें कि बिहार में नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली को लेकर शिक्षक संघ के विरोध के बाद ये बैठक बुलाई गई है। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में महागठबंधन के विभिन्न दल के नेता बैठक में शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि शिक्षक संघ के नेताओं को इस बैठक में बुलाया जा सकता है। बैठक शाम 4 बजे सीएम नीतीश अपने आवास पर करेंगे। महागठबंधन के नेताओं के साथ वो ये बैठक करेंगे। बिहार के नियोजित शिक्षकों की मांग को लेकर यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है। नियोजित शिक्षकों की मांग है कि सरकार पुरानी पेंशन योजना लागू करे, ठीक वैसे ही जैसे पूर्व के शिक्षकों और कर्मियों को पेंशन मिला करती थी। इसके अलावा नियोजित शिक्षकों को बिना शर्त कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। तो नियोजित शिक्षकों की मांग पर आज बैठक करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। अपने आवास पर तमाम नेताओं के साथ ये बैठक करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। सीएम आवास पर ये बैठक होगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से शिक्षकों की जो परेशानी है उसको खत्म करने के लिए ये बैठक आज आयोजित की जा रही है। तो सरकार से शिक्षक संघ की मांगे क्या है वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। शिक्षकों को समान काम का समान वेतन चाहिए, राज्य कर्मी का दर्जा मिले, पुरानी पेंशन योजना लागू हो, बिहार में फिर से पुरानी डोमिसाइल नीति लागू करे, संविदा शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा मिले, बिना शर्त बिना परीक्षा के राज्य कर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। शाम 4 बजे सीएम आवास पर आज बैठक होगी। तमाम मंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। शिक्षकों की समस्याओं को लेकर चर्चा किया जाएगा और कैसे उन समस्याओं का समाधान हो इस पर पूरा फोकस किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष जुड़ गए हैं इसी खबर पर लाइव। उत्कर्ष, आज शाम बैठक होनी है, शिक्षकों की परेशानियों का समाधान किया जाएगा नीतीश कुमार की ओर से, इस बैठक को लेकर क्या विशेष जानकारी आपके पास है सबसे पहले वो चाहूंगी। और बिल्कुल पूजा, देखिए आज शाम 4 बजे का वक्त है जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद एक अन्य मार्ग में महागठबंधन के नेताओं के साथ शिक्षा को लेकर बैठक करेंगे, क्योंकि लगातार शिक्षकों के द्वारा, शिक्षक संघ के द्वारा यह कहा जा रहा है कि जो मनमानी है वो विभाग के द्वारा की जा रही है। पर मुख्य सचिव के द्वारा लगातार फरमान जो है वो जारी किए जा रहे हैं, अलग अलग तरह के फरमान जो है वो शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किए जा रहे हैं। और ऐसे में जो लोग अनशन पर बैठते हैं या क्या कह सकते हैं कि शिक्षा विभाग के खिलाफ जाते हैं उन पर भी शिक्षा विभाग कार्रवाई कर रही है। तो ऐसे में कई मुद्दे को लेकर जो शिक्षक संघ है उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार इस पर संज्ञान नहीं लेते हैं तो हम लोग तालाबंदी करेंगे, जो स्कूल है उसे बंद किया जाएगा। वैसे में देखिए नीतीश कुमार खुद जो है इन तमाम चीज़ों पर ध्यान जो है वो कह सकते हैं कि एकाग्रित कर रहे हैं और अब तमाम पार्टी के नेताओं से मुलाकात करेंगे। और इस बैठक में CPI के नेता होंगे, राजद के नेता होंगे, साथ ही साथ नीतीश कुमार के करीबी मंत्री अशोक चौधरी, पूर्व शिक्षा मंत्री विजय चौधरी और कई नेता जो है वो मौजूद रहेंगे, जहां पर शिक्षा विभाग में जिस तरीके से लगातार फरमान जो जारी किए जा रहे हैं उसको लेकर बातें होंगी। और यह भी देखा जाएगा कि शिक्षकों के साथ और आगे किस तरीके से कार्य किया जा सकता है, क्योंकि एक तरफ जो ACS हैं KK पाठक, उन्होंने कई फरमान जारी किए हैं कि समय पर आना है, कोचिंग से जो इंस्टीट्यूशन है उन्हें 10 से 4 नहीं चलाना है, जो शिक्षक हैं वो जीन्स पहनकर नहीं आ सकते हैं, दाढ़ी बढ़ाकर नहीं आ सकते। कई फरमान जो हैं वो शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किए गए हैं और वैसे में इन तमाम चीज़ों को लेकर एक समीक्षा बैठक कह सकते हैं वो नीतीश कुमार के द्वारा की जाएगी। पूजा, मुख्य मांगे क्या हैं शिक्षकों की उत्कर्ष?
अब बिल्कुल देखिए, मुख्य मांगे हैं कि जिस तरीके से वेतन जो है वो बढ़ाया जाए, और साथ ही साथ ये भी है कि जिस तरीके से एसटीईटी और टीईटी के जो अभ्यर्थी हैं, जो शिक्षक हैं, उनको जो है वेतन उनका जो है वो इंक्रीज किया जाए, जो शिक्षक नियमावली में कई बदलाव जो किए गए हैं उसको बदला जाए, डोमिसाइल नीति को लेकर भी लगातार जो शिक्षक जो है शिक्षक अभ्यर्थी जो है वो हंगामा कर रहे थे उसको लेकर बातें हों, यानी कि डोमिसाइल नीति जिस तरीके से कैबिनेट में पास की गई थी उसे हटाया जाए और लागू किया जाए, माफ करें, और साथ ही साथ जो वेतन है, वेतन भत्ता जो है उसे बढ़ाया जाए। पूजा ठीक है, उत्कर्ष आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी अपडेट लेंगे आपसे।